क्लास फाइव एसएसटी लेसन टू इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा देशांतर रेखा। वी आर अवेयर नाउ डैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि धरती जो है शाप में शेप में गोलाकार है। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब धरती का एक नमूना है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ वी नीड सर्टेन इमेजिनरी लाइन एज रिफरेंस। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ धरती पर किसी भी जगह का लोकेशन प्राप्त करने के लिए वी नीड सर्टेन इमेजिनरी हमको निश्चित रेखा की जरूरत होती है जिसका उल्लेख कर सकते हैं। दीज लाइन आर ड्रॉन ऑन मैप एंड ग्लोब टू लोकेट ए प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू गिव डायरेक्शन टू पीपुल। यह लाइन मैप और ग्लोब पर ड्रॉ करने के बाद यह बताता है धरती के सतह पर कौन जगह कौन प्लेस कौन जगह पर है या गिव डायरेक्शन टू पीपुल और लोगों को डायरेक्शन माने दिशा देता है। दीज इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस काल्पनिक रेखा का नाम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। लैटिट्यूड अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं बिकॉज दे रन पैरेलल एंड आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यह जो है एक समकक्ष में चलता है और दूरी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में दूरी रहती है। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल आर द बाउंड्री लाइन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ अराउंड द अर्थ। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल एक बाउंड्री लाइन है जो काल्पनिक रेखा के धरती के काल्पनिक रेखा पर सर्किल माने गोलाकार ड्रॉ किया जाता है। दे सर इन सर्किल द अर्थ हॉरिजॉन्टली। ये सर्किल जो है समतल सपाट होती है। द सपाट द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल। ये इन लेंथ लैटिट्यूड का लेंथ बढ़ता जाता है जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं। टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ के सेंटर की तरफ केंद्र बिंदु की तरफ। देर आर 881 लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में 181 लाइन होते हैं। इक्वेटर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रो हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को दो भागों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांटती है। इट इज लॉन्गेस्ट पैरेलल या लंबा पैरेलल होता है। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड इज ऑल्सो द ग्रेट सर्किल। इक्वेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है और इसको ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाल या हेमिस्फीयर या धरती को दो भागों में बांटता है दो हेमिस्फीयर में भागता है। द हेमिस्फीयर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर हाफ नोन इज द साउथर्न हेमिस्फीयर लाइक टू द साउथर्न इक्वेटर। हेमिस्फीयर ऑफ द नॉर्थ इक्वेटर को जो दो भागों में बांटता है धरती का एक नॉर्थ वाली भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाली भाग साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाती है। रॉबर्ट एडविन पेरी ऑफ यूएस वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1909। रॉबर्ट एडविन अमेरिका का रहने वाला 1909 में सबसे पहले 6 अप्रैल 1909 को नॉर्थ पोल पर पहुंचा। इक्वेटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर बहुत ही महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है और इसका एक नाम द ग्रेट सर्कल है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड का महत्वपूर्ण तत्व। ऑल पैरेलल आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच आर पॉइंट। सभी पैरेलल कंप्लीट सर्किल में गोलाकार में घूमती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीज। जिस तरह वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज घटने लगता है। फाइनली इट रिड्यूस टू ए डॉट एट द पोल और वो अंतिम में जाके एकदम डॉट माने बूंदा की आकार में हो जाता है डॉट। द लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन नाइदर टच नॉर क्रॉस ईच अदर। लैटिट्यूड आर पैरेलल होता है समकक्ष न जो एक दूसरे को न टच करती है न काटती है।
नंबरिंग ऑफ पैरेलल, पैरेलल का नंबर बी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज जीरो डिग्री। हम इक्वेटर से जब शुरुआत करते हैं जीरो डिग्री, इक्वेटर मतलब जीरो डिग्री, दे आर ऑल्सो मार्क इन नॉर्थ या साउथ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। उसके लोकेशन के अनुपात में नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे आते हैं। द लेटीट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज 19 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 19 डिग्री साउथ। लेटीट्यूड नॉर्थ पोल से 90 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पोल से 90 डिग्री साउथ। पैरेलल आर ड्रॉ एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री पर पैरेलल को मापा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। देयर आर 19 पैरेलल इन द नॉर्थ एंड 19 पैरेलल इन द साउथ। 90 पैरेलल नॉर्थ में होते हैं और 90 पैरेलल साउथ में, दक्षिण में। देयर फोर देयर आर 181 पैरेलल इंक्लूडिंग द इक्वेटर। 90 दूनी 90 90 180 और एक इक्वेटर लेके देयर आर 181 पैरेलल होते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड अदर देन ऑफ इक्वेटर, जीरो डिग्री से द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री एस। देयर आर फोर अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल, इसके बाद और चार। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.12 डिग्री साउथ में, द आर्कटिक सर्कल 66.120 डिग्री नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्किल 66.120 डिग्री साउथ में। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल आर ऑल्सो नोन एज पोलर सर्किल। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल को पोलर सर्किल भी बोला जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है जो 23.12 डिग्री नॉर्थ में है। लेट लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड एक काल्पनिक देशांतर रेखा, एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। दे आर द कर्व ऑफ एन इमेजिनरी सेमी सर्कल दैट जॉइन द टू पोल। ये कर्व सीधा नहीं, तिरछा चलती है और दोनों दो पोल पे जाके मिलती है। दिज लाइन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन एक दूसरे से समकक्ष नहीं होते। दे आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ, ये सभी एक बराबर लेंथ के लंबाई का होता है। ऑल लॉन्गिट्यूड मीट एट द पोल एंड गेट क्राउडेड टुगेदर, सभी लॉन्गिट्यूड पोल पे मिलते हैं और गेट भीड़ वहीं पर एकजुट हो जाता है। दे गेट बाइडर ऑन रीचिंग द इक्वेटर, ऑन रीचिंग द इक्वेटर, इक्वेटर पर पहुंचने से पहले वे वाइडर माने चौड़ा हो जाता है। द वर्ड मेरेडियन ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरेडाइज विच मीन मिड डे। द वर्ड मेरेडियन लैटिन शब्द है जिसका, जो वर्ड मेरिडीज है इसका मतलब होता है मिड डे, दोपहर। एंटी मेरेडियन ए एम means before noon and post meridian PM means afternoon. The word meridian means midday. Meridian का मतलब midday, मतलब दोपहर हुआ। Hence a meridian of longitude join place which have midday at the same time. अगर meridian longitude join place which have midday दोपहर में एक ही समय में मिलता है, they are important indicator of time. ये समय का निर्देशांक, महत्वपूर्ण निर्देशांक होता है। द मेरेडियन विच पास थ्रू द रॉयल ऑब्जेक्टरी ऑफ ग्रीन बीच नियर साउथ लंडन इज कॉल्ड द प्राइम मेरेडियन डेट इज जीरो डिग्री मेरेडियन। ये मेरेडियन जो रॉयल ऑब्जर्वरी ऑफ ग्रीन बीच लंदन के निकट वहाँ से गुजरती है, इसको प्राइम मेरेडियन, मेन मुख्य प्राइम मेरेडियन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर जीरो डिग्री मेरेडियन कहलाता है। द लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन आर इंडिकेट विथ डिग्री ई एंड दोज लोकेटेड टू द बेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन आर इंडिकेट विथ डिग्री डब्ल्यू बेस्ट। प्राइम मेरेडियन से ईस्ट की तरफ जीरो डिग्री डिग्री ईस्ट कहलाती है और वेस्ट की तरफ जीरो डिग्री बेस्ट कहलाती है। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मेरेडियन, मेरेडियन का महत्वपूर्ण तत्व, ऑल मेरेडियन आर इक्वल लेंथ, सभी मेरेडियन बराबर लंबाई की होते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरेडियन एट द इक्वेटर, इक्वेटर से दोनों की दूरी कम से कम रहती है। मेरेडियन कट द लैटिट्यूड एट राइट एंगल 90 डिग्री, मेरेडियन जो है लैटिट्यूड को 90 डिग्री पर काटती है। मेरेडियन आर यूज टू मीजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मेरेडियन के कारण मीजर नापा जाता है दूरी को ईस्ट वेस्ट दिशा में। नंबरिंग ऑफ मेरेडियन, प्राइम मेरेडियन इज नंबर एट जीरो डिग्री, प्राइम मेरेडियन का नंबर जीरो डिग्री है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज मीजर ईस्ट वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मेरेडियन, लाइक पैरेलल मेरेडियन आर ऑल्सो ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का लॉन्गिट्यूड नापा जाता है ईस्ट में या वेस्ट में ऑफ द प्राइम मेरेडियन का,
like parallel meridian are also drawn interval on 1 degree. Parallel और meridian को भी 1 degree पर interval किया जाता है. The meridian are mark 0 degree to 180 degree, starting from the prime meridian and moving toward east. Meridian का नाप प्राइम मेरेडियन से 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ईस्ट में होता है. सिमिलरली दे आर मार्क 0 डिग्री टू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरेडियन एंड मूविंग टू द वेस्ट. और 180 डिग्री जीरो से प्राइम मेरेडियन से ईस्ट वेस्ट की तरफ 180 डिग्री वेस्ट. द मेरेडियन ऑफ 118 डिग्री ईस्ट एंड 118 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन. मेरेडियन जो है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों बराबर लाइन है, रेखा है. दस द बी रीच हाफ बे अराउंड द अर्थ ऑफ 180 डिग्री इफ बी मूव अवे फ्रॉम द प्राइम मेरेडियन टूवर्ड द ईस्ट या वेस्ट. जब हम पहुँचते हैं धरती के 180 डिग्री के हाफ पर, तो इफ बी मूव अवे फ्रॉम द प्राइम मेरेडियन टूवर्ड द ईस्ट या वेस्ट, जब हम ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ प्राइम मेरेडियन की तरफ गुजरते हैं, कंबाइंड देयर आर 360 मेरेडियन, 360 मेरेडियन हो जाते हैं. Another important meridian is the international date line at 180 degree longitude. एक और महत्वपूर्ण meridian international date line है जो 180 degree longitude पर है. It marks the difference of date between the eastern and western hemisphere. यह बताती है eastern और western hemisphere के date को, difference भिन्न भिन्न डेटों को. Locating place on the globe में place का locate. The longitude and latitude फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइन इन द ग्लोब नोन एज द ग्रिड. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक नेटवर्क जाल के लाइन में उलझ जाते हैं जिसको ग्रिड बोलते हैं. वी यूज इट टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब एंड मैप एक्यूरेटली. इसका काम ग्लोब और मैप में एक्यूरेटली प्लेस का पता लगाना है. तो लोकेट ए प्लेस ऑन ए मैप और ग्लोब, जब हम किसी ग्लोब पर या मैप पर किसी जगह को लोकेट करते हैं, वी मस्ट नो द डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के डिग्री को जानना होगा. वी कैन फाइंड द एक्सैक्ट पोजिशन, निश्चित पोजिशन वी कैन फाइंड, हम पता करेंगे एकदम निश्चित स्थिति ऑफ द प्लेस, जगह का, एट द पॉइंट पर किसी जगह का, वेयर दीज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मीट इच अदर, जहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. द पॉइंट वेयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मीट इच अदर आर नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट प्लेस. वह बिंदु जहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे से मिलते हैं, उसको कोऑर्डिनेट ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक कहा जाता है. कैलकुलेटिंग टाइम, देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑन डिफरेंस मेरेडियन बिकॉज दे हैव सनराइज एंड सनसेट एज डिफरेंस टाइम. देयर इज टाइम डिफरेंस, समय अंतर होता है ऑन द डिफरेंस मेरेडियन में, क्योंकि बिकॉज हर जगह सनराइज सूर्यास्त भिन्न भिन्न समयों पर होता है. प्लेस ऑन द सेम मेरेडियन हैव सेम टाइम एज दे हैव सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम. वह जगह जहाँ सेम मेरेडियन पाया जाता है, सेम टाइम होते हैं, और वहाँ पर सूर्यास्त और सूर्य अस्त दोनों समय पर होते हैं. लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूड समय के को भी बताता है. द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज ऑफ 4 मिनट. दोनों दो कंसेक्यूटिव एक के बाद एक निरंतर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का अंतर होता है. इफ वी ट्रेवल ईस्ट वार्ड फ्रॉम द प्राइम मेरेडियन बीन एड टू नी एड 5-4 मिनट ऑन पासिंग ईच मेरेडियन. जब हम प्राइम मेरेडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट पासिंग ईच मेरेडियन वहां पर जुट जाएगा. सिमिलरली वी ट्रेवल वेस्ट वार्ड द प्राइम मेरेडियन, अगर प्राइम मेरेडियन से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4 मिनट एज वी पास ईच मेरेडियन, वहां पर 4 मिनट कम जाएगा. एग्जाम्पल, सिंगापुर इज टू ईस्ट ऑफ इंडिया. सिंगापुर भारत के ईस्ट में पूर्व में है. इट इज 2-1/2 hour ahead of इंडिया. यहाँ इंडिया से वहाँ जाने में 2.5 घंटे लगते हैं. वेन इट इज 1 PM इन इंडिया, अगर हिंदुस्तान में 1 बज रहा है तो इट इज 3:30 PM इन सिंगापुर. वहाँ सिंगापुर में 3:30 बज जाएगा. और वी कैन से दैट दिस ऑल्सो इंडिया इज टू बेस्ट ऑफ द सिंगापुर एंड इट इज 2 hours बिहाइंड सिंगापुर. अब हम कह सकते हैं भारत सिंगापुर से 2.5 घंटा पीछे है समय. द मोमेंट वी क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन,
वह क्षण जब हम टू क्रॉस जब क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल के ईस्ट में डेट लाइन बी गेन एड ए डे, या तो हम लॉस करते हैं या जुड़ जाता है एक दिन। बी क्रॉस टू द बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल, इसमें एक दिन जुड़ जाएगा। और बी क्रॉस टू द बेस्ट, जब बेस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन से जाएंगे, बी लॉस टू सब्ट्रैक्ट ए डे, यहाँ पर एक दिन कम जाएगा। द अर्थ टेक 24 हावर्स और 1440 मिनट टू कंप्लीट वन रोटेशन, इन धरती को 24 घंटा यानी 1440 मिनट लगता है एक रोटेशन में घूर्णन करने में। इन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, टेक्स 1440/360 बराबर 4 मिनट टू रिटोट 1 डिग्री, 1 डिग्री पर 4 मिनट मिलता है। देयरफॉर द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेरेडियन इज 4 मिनट, इसलिए दो मेरेडियन पर अंतर 4 मिनट का होता है। वोकैबुलरी, पोल, आइदर टू द इन पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ एक्सिस, एक्सिस पोल आइदर ऑफ द इन पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ एक्सिस, एक्सिस पोल, पोल है आइदर ऑफ द इन पॉइंट, अंतिम का पॉइंट एट द टॉप या ऊपर का पॉइंट, बॉटम नीचे का पॉइंट, अर्थ एक्सिस धरती के केंद्र बिंदु पर, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ अर्थ। इमेज एक्सिस क्या है, काल्पनिक रेखा है जो टू एक्सट्रीम धरती के एक्सट्रीम एंड को बताता है। ग्रिड ए नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ग्रिड जाल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का, पैरेलल रनिंग साइड बाय साइड विद सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, पैरेलल रनिंग साइड बाय साइड चलता है बगल में विद सेम डिस्टेंस टू एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर।